अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नारियल हलवे की रेसिपी, जो बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो नारियल का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने दो नारियल लिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ मेवे लिए हैं, जिसमें हैं काजू, अखरोट और बादाम। देसी घी मैंने लिया है 4 टेबल स्पून और 1 कप मिल्क मैंने लिया है। 150 ग्राम चीनी मैंने ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ले सकते हैं। और ये 2 इलायची मैंने पीस कर रख ली है। ये ऑरेंज फूड कलर है, जिसको मैंने दूध में घोल कर रखा है। तो सबसे पहले हम ये जो नारियल है उसका जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, उसे हम चाकू से छील कर उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नारियल का सारा ब्लैक पार्ट हटा दिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीस में काटेंगे ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। नारियल को काटने के बाद हम इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये नारियल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो अब हम इसका हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस 1-2 मिनट के लिए इसे हम भुनेंगे ताकि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए ये जो मेवे हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। सारे मेवे निकालने के बाद आपको जो ये घी नज़र आ रहा है, तो अब हम इसमें ये नारियल ऐड कर देंगे और इसे भूनेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें और घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि नारियल में भी काफ़ी ऑयल होता है और ज़्यादा ऑयली खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो बस नारियल जो है वो हम 2 मिनट भूनेंगे। तो देखिए ये जो नारियल है वो अच्छे से भुन चुका है। तो मैं अब इसमें दूध ऐड करूंगी और साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इसकी हम लीड बंद कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, और बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। तो देखिए अब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हमने जो दूध में फूड कलर घोल कर रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये जो फूड कलर है वो अच्छे से हलवे में मिक्स हो चुका है। तो और 2 से 3 मिनट हम इस हलवे को भुनेंगे। तो देखिए 2 मिनट भुनने के बाद ये जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें सारे मेवे जो है वो ऐड कर देंगे। थोड़े मेवे मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो अब ये हलवा जो है पूरी तरह से तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए इसकी जो खुशबू है वो सारे किचन में महक रही है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बना कर देखें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।